राजस्थान की 23 सीटों पर महिलाओं ने की बंपर वोटिंग। जब भी महिला मतदान ज्यादा, बदलती है सत्ता। क्या इस बार भी दोहरा पाएगी इतिहास? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 199 विधानसभा सीटों पर 74.62% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72 और पुरुषों का 74.53% रहा। 23 सीटों में महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। अब तक हुई वोटिंग में ये एक नया रिकॉर्ड है। 2018 में 74.71% वोटिंग हुई थी। उस समय पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.80% और महिलाओं का 74.67% रहा था। इस बार भी यही ट्रेंड बरकरार है। एक दिलचस्प तत्व ये भी है कि प्रदेश में जब भी महिलाओं ने बंपर वोटिंग की है, तब तब सत्ता बदली है। 2003, 2013, 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा था, इसी कारण नतीजे भी चौंकाने वाले रहे थे। 2008 में महिलाओं का वोट प्रतिशत मामूली बढ़ा, लेकिन ओवरऑल मतदान का प्रतिशत कम रहा। ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 78 और कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। इस पर कांग्रेस ने बसपा और अन्य के सहयोग से सरकार बनाई थी। महिलाओं का सफलता प्रतिशत बेहतर। प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का ट्रेंड देखें तो भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 2018 में 189 महिला प्रत्याशी मैदान में थी। इनमें से 24 यानी 12.6% प्रत्याशी चुनी गयी, जबकि पुरुषों का सफलता प्रतिशत 8.44% रहा। 2013 में महिला प्रत्याशियों का सफलता प्रतिशत 16.86% था। इस बार कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने 20 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, यानी बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 14% महिलाओं को ही टिकट दिए हैं। वोटर अनुपात में भी लगातार इजाफा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1000 पुरुष वोटर्स के अनुपात में महिला वोटर की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। 1972 में यह अनुपात 723 था, जो 1998 में 486 हो गया, 2003 में 841 से बढ़कर 2013 में 892 और 2018 में 914 पर पहुंच गया। महिलाओं की इन योजनाओं का असर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष योजनाएं लागू की। कांग्रेस ने महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन बांटे। चुनाव से पहले गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने की घोषणा की। 1.5 करोड़ परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर जैसे वादे किए। वहीं बीजेपी महिला आरक्षण बिल के साथ ही केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और महिला शक्ति केंद्र योजना के जरिए महिला मतदाताओं को लुभाती नजर आई। विधानसभा कब पहुंचेगी 28 से अधिक महिलाएं? प्रदेश की पहली विधानसभा चुनाव 1952 में एक भी महिला विधायक नहीं बन पाई थी। दूसरे चुनाव में 9 महिलाएं चुनी गईं। इसके बाद हुए 2 विधानसभा चुनावों में महिला विधायकों की संख्या घटती गई और 1967 में 4थे विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों की संख्या महज 6 रह गई। 2008 और 2013 में प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 महिलाएं विधायक चुनी गईं। 2003 में प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं थी। हालांकि इस साल विधानसभा में महिलाओं की संख्या केवल 12 थी। 2018 में 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 2013 की तुलना में 5% कम थी। महिलाओं को एमएलए से सीएम तक का सफर। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का सफर बहुत धीमा रहा। हालांकि प्रदेश की पहली महिला विधायक 1953 में बांसवाड़ा सीट के लिए हुए उपचुनाव में चुनी गयी। ये पहली महिला विधायक यशोदा देवी थी। प्रदेश में 1951 से 5वीं विधानसभा चुनाव तक 1055 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 20% महिलाएं चुनाव जीत सकी, यानी 194 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच सकी। प्रदेश में 2.51 करोड़ महिला वोटर्स हैं। यह कुल मतदाताओं का 48% है, जबकि विधानसभा पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या इस मुकाबले में आधी भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।